हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लंबवृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन किया था। अब चलिए इस वीडियो में हम लंबवृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। थॉमस, ये लो संतरे का शरबत, मेरी माँ ने इसे आज शाम की पार्टी के लिए बनाया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, माँ ने पार्टी के लिए इस बर्तन को पूरी तरह संतरे के शरबत से भर दिया था। इस बर्तन में कितना जूस होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका उत्तर हम गणित के द्वारा जरूर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो थॉमस, ये बर्तन लंबवृत्तीय बेलनाकार राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि इसका वक्रीय हिस्सा इसके आधार पर लंब है, और क्योंकि बर्तन में जूस पूरी तरह भरा है और बर्तन की मोटाई ना के बराबर है, इसलिए बर्तन में जूस द्वारा घेरी गई जगह बर्तन द्वारा घेरी गई जगह के बराबर है। दूसरे शब्दों में, जूस का आयतन बर्तन के आयतन के बराबर है। और मुझे अब लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र बिल्कुल अच्छी तरह याद है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर का वर्ग और एच का गुणनफल है, जहां आर बेलन के आधार की त्रिज्या और एच उसकी ऊंचाई है। शाबाश थॉमस, अब बस हमें इस सूत्र में आर और एच की जगह क्रमशः बर्तन के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर लिखकर इसे सुलझाना होगा। देखो थॉमस, बर्तन का आयतन 24,750 सेंटीमीटर घन है। इसका मतलब बर्तन में भरे जूस का आयतन भी 24,750 सेंटीमीटर घन है। लेकिन मानस, ये तो सेंटीमीटर घन में है और जूस तो हम लीटर में नापते हैं ना? हाँ थॉमस, देखो एक घन सेंटीमीटर एक मिलीलीटर के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जूस का आयतन 24,750 मिलीलीटर है, और क्योंकि 1000 मिलीलीटर एक लीटर के बराबर है, जूस का आयतन 24,750 भाग 1000 या 24.75 लीटर है। चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चलें। पार्टी शुरू होने में बस चंद घंटे बचे हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की मदद भी तो करनी है, मैं भी इसमें तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर पार्टी की खूब लगन से तैयारी की। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह लंबवृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित मजेदार उदाहरण देखेंगे।